वेलकम बैक टू माई चैनल एंड अ न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ आप जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं काफ़ी समय बाद यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि काफ़ी समय हो गए तो ब्लॉग ना बनाए, तो आज जा रहे हैं सुबह सुबह ब्लॉग बनाने। और कहाँ जा रहा हूँ आपको आगे ही चल के बताऊँगा, तो ब्लॉग पे बने रहें और प्लीज़ स्किप ना करें कोई सा भी पार्ट, बहुत चीज़ मिस कर दोगे। यहाँ सामने है जामा मस्जिद और थोड़ा सा लेट हो गए हैं, 7:15 हो गए हमें आते आते, धूप भी हो चुकी है काफ़ी, मार्केट तो हट गई है, पर है जितना भी एक्सप्लोर करके दिखाते हैं कि आपको क्या क्या मिल जाता है किस किस रेट में। और यहाँ शूज़ हैं 80,000 के, घर चला जाएंगे आपका मत लेना। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या है इस पूरे मार्केट में और पैसा वसूल है आना या फिर नहीं। यहाँ 250-250 रुपये में, और बच्चों के कपड़े देख सकते हैं आप छोटे छोटे, मैं तो नहीं बोलूँगा कि मत ही लेना वैसे, क्योंकि यार बताऊंगा आगे चल के अभी क्या रीज़न है क्यों अच्छे नहीं। यहाँ आपको मिक्सर ग्राइंडर मिल रहा है ब्रांड न्यू, पन्नी चढ़ा हुआ, और इस साइड मार्केट में आपको ज़्यादा कपड़े अपड़े ही देखने मिलेंगे और पुराने सामान रहते हैं। ये यार क्यों है इतनी जनता यहाँ पे, क्यों पॉपुलेशन, सामान तो उतना अच्छा रहता नहीं है। मैं खुद तंग हूँ, देख रहा है ये फ़ोन यहाँ बंदा बेच रहा है, ये बैठ के 4,000 रुपये मांग रहा है। MI का फ़ोन है, नोट 5, जहाँ तक कि मुझे पता है। ब्रांड न्यू शर्ट भी है, 100-150 रुपए में मिल जा रहा है कॉम्बो में। और इधर आप देख सकते हो बच्चों के खिलौने भी, और ये एग्जॉस्ट फैन, RC प्लेन्स सब है। और इधर भी शूज़ के इसका सामान है, पंखा, मिक्सी और भी बहुत चीज़, एग्जॉस्ट फैन ये सब आप आगे ले सकते हो। फिर वैसे मुझे लगता नहीं चलेगा, रिपेयर सामान रहता। और भीड़ देख सकते हो कितना ज़्यादा, इसका सामान इधर बढ़िया मिलता है। देखो ये छोटा पोर्टेबल स्पीकर है, सही लग रहा है। और इधर आप दूर दूर तक जितनी भी दुकान है सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, कुछ रहती हैं शूज़ की और कपड़ों की। इधर भी आप देख रहे हो PS4 ये सब मिल रहा है आपको, और शूज़ इधर अगेन शूज़ के ज़्यादा हैं यहाँ दुकान। और चश्मे हैं यहाँ, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, जैसे वाईफाई राउटर हो गए, बॉल्स हो गए, आप आके अपने मतलब की चीज़ छांट सकते हो, इनमें मिल जाता है कुछ कुछ अच्छा, तो देख सकते हो आके। टेप भी है बहुत सारा, स्टंट वाले ये बचपन में मेरा फेवरेट था, यहाँ मिल रहा है आपको 500 रुपये में। और इधर एक गेमिंग माउस पड़ा है, ये 100 रुपये में मिल रहा है, आप आके ले सकते हो। बहुत तरह के कैमरे हैं और एंटीक कैमराज भी हैं, और लैपटॉप भी है भैया के पास, आप देख सकते हो। जैसा कि छुपा के बना रहा हूँ वीडियो, मना करते हैं वीडियो के लिए, कुछ मत खरीदो, केला खाओ, तंदुरुस्त रहो, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। इसमें कोई मिलावट नहीं है, बाकी सब चीज़ गपलेबाजी का है। अगर बस देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है, और दिक्कत हो रही है यार वीडियो बनाने में, यार कोई बनाने नहीं देता, तो थोड़ा सा माइंड कर लेना यार, और जितना दिखा पा रहा हूँ उसी से थोड़ा आइडिया ले लेना कि यहाँ क्या मिलता है। वैसे यार नहीं रहा, आप चोर बाजार अच्छा है, कुछ नहीं मिलता अच्छा, सारा कवाड़ा है, वो जो कवाड़ी वाले आते हैं उसी में वो सामान है। अभी काफ़ी सारी एक्सेसरीज बढ़िया, स्पीकर देख रहे हो, खिला रखा भाई ने चोर बाजार। और यहाँ भी छोटा मोटा सामान है, जैसे कैमरे का चार्जर, ट्रिमर, ये सब। मुँह ढक के बैठे हैं बंदे, और अगेन जूते। तो भाई जी यहाँ GoPro मिल रहा है, ये एक्शन कैमरा। भाई बैग नीचे करिए, पड़ा है GoPro, चालू है नया। तो भाई जी ये है कैमरा नया है, पूरा पन्नी अन्नी चढ़ रही है आप देख सकते हो, और वाटर प्रूफ केस के साथ है। इसके अंदर ये रहा कैमरा, 1080p का है। पन्नी है तालू यही लेके गया था ना। तो गाइस ये है एप्पल वॉच की कॉपी, प्लास्टिक बिल्ट है वैसे तो, पर पूरा एप्पल वाला फील है। कितने लगाओगे? 1500 से कम नहीं होगा, 100-100 रुपए में जितनी लाइन दिख रही है टोटल सारी। और इधर शूज भी पड़े हैं रेड टेप के, नाइकी के सारे, और रेड टेप के एक, और आपको ये मिल गया फ्लिप फ्लॉप एक्सेसरीज मिल जाएगी, 100-100 रुपए से शुरू है। कुछ भी ले लो, रूट्स के ओरन ले लो, लाइट ले लो, सब मिल जाएंगे इधर। अच्छा पुलिस वाले लाइट है गाइस,
ये देख लो यार वीडियो आपके सामने, जो बंदे उल्टा सीधा बोलते हैं ना कि वहाँ कुछ नहीं मिलता, ये सब पागल बनाते हैं, तो पहले ये वीडियो देख ले। और लास्ट में वो बंदा भी कैसे चिल्लाया था कि भाई वीडियो बना रहे हो, तो अभी वीडियो बना रहे हो। 4500 रुपये का ये वेब मिला है, पूरा लोहे का तगड़ा तुम्हारा। ये ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, जितने भी शॉप दिखेंगे यहाँ सारी ड्राई फ्रूट्स की, और आगे तक सब ड्राई फ्रूट्स ही है। और इधर कच्चा है, 30 रुपये का तुम्हारा घर जाएगा, जनता माफ नहीं करेगी। ये पूरी मार्केट, इधर आपको स्मार्ट वॉच मिल जाएंगे, और जीन्स ले सकते हो इधर से 100 रुपये में। आगे इधर देख रहे हो शाहरुख खान तैयार हो रहे हैं, देखते जाओ। और भी वैसे तो बहुत चीज़ है यार, लेकिन इस बार का नहीं कह सकता, खाली है पूरी मार्केट। हो सकता है हमारे लेट होने के चक्कर में, या फिर अब पुलिस वाले लगने नहीं दे रहे ना इनकी मार्केट, तो इस चक्कर। मोटर जनरेटर और ये औजार सब ले सकते हो, प्लम्बरी का क्या कहते हैं इन्हें, पिला सिला सब सस्ते में मिल जाता है, ड्रिल मशीन ये सब। भाई सामने बंदा खड़ा है कंप्यूटर स्क्रीन लेके, इसने iPhone 11 दिया है, ब्रांड न्यू कंडीशन, पूरा चमचमाता हुआ आप देख सकते हो, और इसके डिमांड कर रहा है ये 15,000 रुपये। बात करते हैं कितने में मिलेगा ये, तो दोस्त को दिलवाते हैं, उसे पसंद आ गया है। 5,000 में फाइनल हो रहा है लास्ट, लेकिन है नहीं यार इतना, आप क्या करें। कॉपी है ये, देख सकते हो आप, अगर समझ पा रहे हो तो पता चल जाएगा कि कॉपी है या फिर क्या है, तो वर्थ नहीं है लेना। पता नहीं यार कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, छोड़ देते हैं। देखिए इधर ये अंकल जी मिले हैं झोला लेके, इन्होंने ये दिया है कबाड़ा 6S, और ये यार देखा देखा लग रहा है, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई थी ये फ़ोन, शायद जाके देखना, ये वापस वही फ़ोन आया अपने पास देखने के लिए 500 रुपये में। देखो इस बंदे के पास और फ़ोन थे, इसने हमें दिखाया नहीं, और इन्हें दिखा रहा है, और भी काफ़ी सारे फ़ोन हैं। लपेट चलती हो चुकी है, ये फ़ोन भाई को पसंद आ गया था, हमें लगा एंड्रॉयड है तो यार क्या ही फेक होगा, हमने ले लिया, और उसने कहा था कि चार्ज नहीं है, हमने स्विच ऑन करा तो स्विच ऑन हो गया, लेकिन इस पे लगा है पासवर्ड, कवर भी इसके साथ मिला है। गाइस क्या करें, इस फ़ोन का लॉक तोड़वा जाए या फिर गिव अवे या फिर बेचा जाए, आप कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी कि क्या किया जाए। रियलमी का कौन सा बताया उसने, 5 प्रो बताया रियलमी का, बढ़िया फ़ोन है। ऐसे बैटरी भी आप देख रहे होगे, काट गया भाई हमारा वो कि फ़ोन डिस्चार्ज है, लेकिन चार्ज था और स्विच ऑफ। यहाँ उस फ़ोन का जुगाड़ लगा दिया हमने जो लॉक था, और उसे एक बंदा आया था, वो बोल रहा था आपकी वीडियो देखी है, तो उसे भेज दिया हमने बता के, लेकिन कि उसमें ये प्रॉब्लम है, वो लॉकड है फ़ोन, बाकी तो बंदा खुशी ले गया। उसके बदले हमने ये ले लिया है 1500 रुपये में, देख ही सकते हो पोको का X2 मॉडल है, 6GB और 128GB ये मिला है, बाकी चार्जर वार्जर कुछ नहीं दिया इसके साथ, बस हम लोग नहीं बना रहे इससे आगे ज़्यादा, लोग लड़ रहा है और कोई कि भाई वीडियो मत बनाओ, तो अब छोड़ देते हैं और चल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, कुछ देखते हैं लास्ट, अगर दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ख़त्म करते हैं वीडियो को। इसके बैक साइड आए हैं, ये गेट नंबर 2 है या फिर 1 है अभी देख के बताऊँगा मैं आपको। इधर अंदर जा रहे हैं, लोग कहते हैं कि अंदर भी काफ़ी चीज़ है, उधर जाके आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मिल जाएगा वहाँ। पूरा ब्लॉग देखो और लाइक कर देना अगर गाइस वीडियो छोड़ रहे हो। जड़ से ख़त्म, जिसे दिक्कत नंबर पे कॉल कर लो और आ जाओ, या फिर जामा मस्जिद यहाँ जड़ से ख़त्म हो रहा है। ये गली देख ही सकते हो आप जामा मस्जिद की, ये अभी भी क्राउडेड है। टुकड़ा सुना होगा आपने जामा मस्जिद का, ये है शाही टुकड़ा, शाही जीन सही है, कोई सी भी लो फैशन वाली। तो भाइयों ये 3 फ़ोन मिले हैं, एक वाइट कलर में है और एक ये ब्लैक है, ये बीच वाला कवर लगाया हुआ है इसके ऊपर ब्लू कलर का, और ये रेड फ़ोन मिला है। तीनों हैं 128GB वाले वेरिएंट, आईफोन 11 है, और तीनों का प्राइस है 5,000 रुपये कोई सा भी क्लोन पीस। कैमरा आप देख सकते हो कैसा, कितना क्लियर आ रहा है, पता नहीं जस्टिफाई हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है वैसे। वाओ ब्यूटीफुल, से बढ़िया है कंडीशन है यार, ये स्मूथनेस आप देख ही रहे होगे। और इसका वीडियो मोड दिखाता हूँ, ये देखो सारे रिजोल्यूशन इस पर स्विच हो रहे हैं, जैसे अभी HD और 30 FPS पे, 60 पे चला गया, और 4K करेंगे तो ये वापस था नहीं, 60 है 4K में, 24 है 30 है और 60 है। तो गाइज ये फ़ोन जेन्युइन लगा, काला ले सकते हैं, लेकिन इसका दाम वो बता रहा है अब 9,000 रुपये, उसे हमने पहले बोल दिया ना भाई ये बढ़िया फ़ोन है, तो वो समझ गया कि ये ख़रीदेंगे, इसलिए दाम बढ़ा दिए। गाइज हो चुका है ब्लॉग एंड, अब मेट्रो में आ गए हैं और अब घर जाएंगे, अभी तो हमें जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पे। मैंने वही जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको अगर यहाँ आना है तो कैसे आओगे, तो ये जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पड़ता है, और यहाँ से गेट नंबर 1 से बाहर निकलोगे तो पूरा चोर बाजार ही है, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हो यार, आना आप बेकार है, मैं मना कर रहा हूँ कि मत आओ अगर मेरी मान सकते हो तो। बस फ़ोन मिल जाते हैं कभी कभार, वो आपके चांसेस है, मैं जब जब आया हूँ मुझे मिला है, कभी ऐसा भी हुआ है कि नहीं मिला है तो मैं उस दिन का वीडियो अपलोड नहीं करता।
तो गाइस ये कमेंट मत किया करो कि फेक है या फिर कुछ है, आप आके देख सकते हो। और अभी मेट्रो भी आ गई है अपनी, तो चलते हैं, आप आगे चल के आपको और बातें बता देता हूँ कुछ। सो हेलो गाइस, ये जो क्लिप अब मैं शूट कर रहा हूँ ये शाम का है। मैं सुबह चोर बाजार से आके घर सो गया था क्योंकि बहुत थकान हो गई थी, आप समझ सकते होगे, क्योंकि वहाँ जाके सिर्फ पैदल ही भटकना रहता है। और गाइस जितना मैंने दिखाया था वो सब आप अगर स्किप करके देख रहे हो तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आएगा। टोटल पूरी वीडियो देखना तो उसमें आप समझ पाओगे कि क्या चीज़ कहाँ आपको मिलती है। और मे भी हो सकता है मेरे बातों से आपको काफ़ी हेल्प हो जाए, वहाँ जाके ऐसा ना हो कि आपको कोई ठग ले मतलब, या फिर वहाँ यार चोर बाज़ार, देखो बेसिकली मैं बताऊँ ना तो चोर बाज़ार वहाँ का नाम इसलिए नहीं है कि वहाँ चोरी की सामान मिलती है, वहाँ चोरी का सामान कुछ नहीं होता यार, बस कहने की बातें हैं कि सब चोरी का सामान होता है वहाँ। चोर बाज़ार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो दूसरों का पागल बना के बोले तो कबाड़ा सामान बेचते हैं, तो दूसरे का अगर पागल बना रहे, वो किसी से झूठ बोल के उसको अलग सामान बेच रहे हैं, तो एक तरह से चोरी हुआ ना, तो इसीलिए वो चोर बाज़ार है। गाइस जाओ और समझदारी से खरीदो। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था जहाँ वाईफाई राउटर्स और शायद इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान थे वो सब मिल रहे थे, तो वो भी मैं कहूँ तो यार गली में आपने देखे होंगे कबाड़ी वाले आते हैं, तो वो कबाड़ी वाले जो लेके जाते हैं सामान की मतलब किलो में लेके जाते हैं वो सब सामान, वही सामान चोर बाज़ार में बिकता है। तो गाइस मतलब नहीं बनता ना कि जो सामान आप खुद अपने घर से खाली करते हो कबाड़ी वाले को देके वो आप वापस ख़रीद के लाओ, तो यार वर्थ नहीं है वहाँ से ख़रीदना। हमने फ़ोन भी इसीलिए नहीं ख़रीदा क्योंकि एक तो क्लोन पीस था और ऊपर से चोर बाज़ार का सामान हमें कुछ पता नहीं था कि यार क्या कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो हमने छोड़ दिया। बस एक फ़ोन जो हमने पोको एक्स टू लिया तो वो जेन्युइन था, हमने पूरा IMEI नंबर ये सब चेक कर लिया था, बस उसके साथ बिल चार्जर कुछ नहीं दिया हमें। और उससे पहले जो एक फ़ोन मिला था वो हमने, हमारा एक सब्सक्राइबर मिल गया था वहाँ पे, तो उसे सेल आउट कर दिया था और उस भाई को बता दिया था कि यार देखो इसमें लॉक लगा हुआ है, अगर आप रख सकते हो इसे तब रखो वरना कुछ फोर्स नहीं है। तो भाई खुशी खुशी ले गया उसे। और अगर आपको पोको एक्स टू के मतलब अलग से रिव्यू वीडियो चाहिए तो बता देना मुझे, मैं कर दूंगा कि कैसा है फ़ोन। वैसे तो स्क्रैचलेस कंडीशन है, बस नीचे से थोड़ा सा डेंट था, तो उतना यार चलेगा कुछ नहीं, देखते हैं कब तक चलता है फ़ोन, सब आपको रिव्यू दे दूंगा मैं। और गाइस ख़त्म करते हैं अब इस ब्लॉग को, कुछ बचा नहीं है दिखाने को। आप अगर आपने वीडियो एंजॉय करी है तो लाइक कर दो मेरी वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर दो और एक यार अच्छा सा कमेंट करो, उससे यार थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि अब नेक्स्ट टाइम भी मैं कुछ करूँ, वरना आप जानते ही इतने समय बाद मैं आया हूँ मतलब ब्लॉग बनाए इतने समय बाद, यार यही था कुछ कि डीमोटिवेट होके मैं बैठ गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। तो गाइस अब सब कमेंट करो अच्छे अच्छे और थोड़ा अच्छा फील करा यार, अभी मिडिल क्लास है। तो गाइस एंड करते हैं वीडियो को। और गाइस अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर अच्छा लगे तो अभी सब्सक्राइब करना यार वीडियो को, पर इतना जो मैं सुबह मेहनत करके आया था उसके लिए एक थम्स अप ज़रूर देना। और गाइस कुछ फेक नहीं था, अगर आपको बिलीव ना हो आप आके वहाँ देख लो कि क्या है क्या नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वही बंदे आपको मिलेंगे वापस जो मुझे मिले थे, अलग अलग मिलते हैं। और वो एक मोटा सा बंदा मैंने दिखाया था जो फ़ोन निकाल रहा था अपने कमर के पास से, तो यार उससे लड़ाई भी हो गई थी कि क्यों वीडियो बना रहा, और वो गाली वाली दे रहा था। तो गाइस अब तो मेरी मतलब मेरा मन नहीं है कि अब दोबारा चोर बाज़ार जाऊँ यार, वहाँ लड़ाई होता है बस, तो अब नहीं जाएंगे। आप बता देना जो भी जैसा हो आपके लिए, तो कर देंगे यार कुछ भी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।